तो टॉपिक हमारा ये है कि आपने कैलकुलेटर को डिग्री में कब कन्वर्ट करना है, रेडियन में कब कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो, रेडियन डिग्री का कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है ना जब आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करते हैं, या तो साइन आपने कंसीडर करना होगा या आपने साइन इनवर्स कंसीडर करना होगा, ये दो ही आपके पास तरीके होते हैं। तो तरीका ये है कि भाई दो किस्म के फंक्शन है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैंने आपके सामने लिख दिया वाई इक्वल टू साइन एक्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बात बता दी है कि वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और ऊपर कॉस एक्स जो भी है वो आप लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके बात समझनी है कि इन दोनों के इनपुट में फर्क क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में। जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यहाँ पे इनपुट में आप पुट करते हो कोई भी एंगल, आपने यहाँ पे एंगल पुट किया, आंसर में आपको कोई भी वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पुट किया साइन 30 डिग्री, एंगल पुट किया, आंसर में आपको मिल जाएगा 1/2, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 1/2 आ जाएगा। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें होता यह है कि आप पुट करते हो वैल्यू और आंसर में आपको मिलता है एंगल। ये बेसिक बात आपको बतानी चाहिए। जैसे आप कैलकुलेटर में पुट करते हो साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 पुट किया आपने वैल्यू और आंसर कैलकुलेटर आपको क्या देगा, 30 डिग्री, आंसर में आपको क्या दे देगा, एंगल दे देगा। तो सबसे पहली बात तो ये आपने समझ ली। जब आपने बात समझ ली, अब जरा इस पे आ जाओ, आपने कन्वर्ट कब करना है। तो याद रखो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हो, जैसे सिंपल सी इक्वेशन है साइन 30 डिग्री, कॉस 30, टेंजेंट 30, कुछ भी आपने एंगल पुट करना है, तो आपका कैलकुलेटर लाजमी डिग्री के अंदर होना चाहिए। आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर जाओगे तो छोटा सा डी लिखा हुआ होता है। अगर आप एंगल डिग्री के अंदर पुट कर रहे हो तो आपका कैलकुलेटर भी डिग्री के अंदर होना चाहिए, तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 1/2। अगर आपका कैलकुलेटर है भाई डिग्री के अंदर और आपने यहां पे पुट कर दिया पाई बाय 6, आपके जहन में होगा कि पाई बाय 6 तो मैंने रेडियन के अंदर पुट किया है, लेकिन कैलकुलेटर इसको किसमें लेगा, कैलकुलेटर इसको डिग्री में लेगा। 5/6 होता है 0.52, तो कैलकुलेटर समझेगा कि आप पुट करना चाह रहे हो 0.52 डिग्री, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत, आप रेडियन के हिसाब से रखोगे, कैलकुलेटर डिग्री के हिसाब से लेगा, तो इस पूरी चीज का आंसर आपके पास गलत हो जाएगा। तो जब आपने रेडियन के अंदर पुट करना है तो आपका कैलकुलेटर भी ऊपर रेडियन के अंदर होना चाहिए, तब कैलकुलेटर आपको करेक्ट आंसर देगा 1/2। इसी तरह अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है और आप नीचे पुट कर देते हो साइन 30 डिग्री, आप कैलकुलेटर गलत आंसर देगा, क्योंकि जब आप 30 पुट करोगे तो कैलकुलेटर 30 को डिग्री नहीं लेगा, कैलकुलेटर 30 को रेडियन लेगा, तो वो साइन 30 रेडियन का आंसर देगा, जो कि आपको गलत होगा। तो जो भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने ध्यान देना है, जिसमें आप एंगल पुट कर रहे हो वही आपके कैलकुलेटर में होना चाहिए। ये बात है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जरा आ जाओ इनवर्स के ऊपर, क्योंकि इनवर्स में आपको पता है एंड पे आपके पास एंगल आता है, इस वाले सिचुएशन में तो वैल्यू आती है ना, अगर आपने सही नहीं किया तो आपके पास वैल्यू गलत आ जाएगी। तो इनवर्स में क्या होता है, लेट कर लो आपने पुट किया इनवर्स, इनवर्स के अंदर आप कोई वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/2। अब अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा यहां पे 30 डिग्री, सिंपल सी बात है। और अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो कैलकुलेटर इसका आंसर दे देगा पाई बाय 6। कहने का मतलब यह है कि जब इनवर्स फंक्शन में ये मैटर नहीं करता, इनवर्स फंक्शन में आपका आंसर गलत नहीं आ सकता। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है तो इनवर्स का आंसर भी डिग्री के अंदर आ जाएगा, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो इनवर्स का आंसर भी रेडियन के अंदर आ जाएगा। तो इनवर्स में गलत आंसर नहीं आ सकता, इससे आप बेफिक्र हो जाओ, इनवर्स में कभी गलत आंसर नहीं आएगा। अगर आपको डिग्री में चाहिए आंसर तो आप डिग्री में रखो, अगर रेडियन में चाहिए तो आप रेडियन में रखो, लेकिन जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहां पे आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए जो एंगल है उसी में आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। कोई भी सवाल यहां तक है तो पूछ लो। ये जो टॉपिक है ना, स्टूडेंट के जहन में होता है कि सर कब रेडियन कब डिग्री करना है, बात सबको क्लियर होगी ये बात। आई गेस ये टॉपिक हमने सर मेरा नेट चला गया था। चलो तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में बता दिए, मैं आप लोगों को मसला नहीं होगा कि दो ही केसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में जहां पे रेडियन डिग्री में करना होता है। तो
तो कंक्लूजन ये है कि इसमें आंसर गलत होगा अगर आप छेड़खानी करोगे, इसमें आंसर गलत नहीं होगा। और सही आंसर दिया, मैंने पूरे हल बता दिए आपको, इस तरह डिटेल में नहीं बताया जा सकता। तो यही इसका है हल, मसला आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा।